सोरासिस के पेशेंट की सबसे बड़ी दुविधा कि वो नहाए कैसे, या नहाने के टाइम कौन सा सोप या कौन सा साबुन या कौन सा प्रोडक्ट यूज करे जिससे उनके पैचेस में इचिंग, बर्निंग, एग्रवेशन ना हो। उसके बाद वो क्रीम कौन सी लगाएं क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, नहाने के बाद अक्सर ड्राइनेस बढ़ जाती है। और अपने बालों का केयर कैसे करें जिससे उनकी फ्लेकिंग कम हो जाए और डैंड्रफ जैसा इश्यूज या फ्लेकिंग जैसा इश्यू सोरासिस में ना आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। सोरासिस के पेशेंट को ठीक तो होना ही है, ऑब्वियसली ऐसी दवाइयाँ चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए जो जल्दी से उनका सोरासिस रिकवर कर दे, लेकिन साथ ही साथ वो नहाए कैसे और अपनी बॉडी को कैसे वो, क्योंकि ऑब्वियसली स्किन है और स्किन इज द फर्स्ट थिंग, जो भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो स्किन ही आपकी नोटिस हो रही है, लुक्स ही आपके नोटिस हो रहे हैं और वो एक एम्बैरेसमेंट या फिर एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट कर देती है क्योंकि लोगों की अलग अलग धारणा होती है कि इसको ये क्या बीमारी हो रही है, हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे या इसके साथ बैठेंगे नहीं, चीज़ें शेयर नहीं करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए या अपने स्किन का ध्यान रखने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करेंगे तो आपको सोरासिस में जल्दी आराम मिलेगा। तो नंबर वन कि नहाए कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि द फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग इज कि फ्रेशन अप हुए, मोशन पास किया, मल पास किया, उसके बाद ब्रश किया एंड नहाना ही है। और स्किन क्योंकि ड्राई है, रेड एंड फ्लेम्ड है, तो आप कोशिश करें कि एक तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी को यूज़ ना करें नहाने के लिए, और नॉर्मल पानी से नहाएं, ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। उसमें आप नीम के पत्ते भिगो के रख सकते हैं बहुत देर, और उसी पानी से बिना किसी साबुन और सोप के भी नहा सकते हैं क्योंकि नीम में प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, तो जितनी इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, उसको नीम कंट्रोल कर लेगा, एंटीसेप्टिक तरीके से काम करेगा और हीलिंग जल्दी कराएगा। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप सिया का जो बॉडी वॉश हमने बनाया है सोरासिस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए, और चाहे सोरासिस है बॉडी पे चाहे नहीं है, आपको यही फॉलो करना है। और इसको फॉलो करके आप अपने सोरासिस को वापस आने से भी रोकेंगे और आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, और कोई भी केमिकल, क्योंकि ऑब्वियसली सोरासिस जब बहुत सालों से आता है बॉडी पे तो हम स्टीरॉयडल क्रीम लगा लगा के अपनी स्किन को बहुत पतला कर देते हैं और कुछ भी सूट नहीं करता। तो आप इस बॉडी वॉश से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये एक बैरियर की तरह काम करेगी जिससे सालों साल आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी तरीके से ग्लो भी करेगी और स्मूथ भी रहेगी। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस, ऑब्वियसली आप नहा लिए और उसके बाद जो बहुत हार्श तरीके से आप अपने आप को वाइप ऑफ करते हैं वो नहीं करना है, आपको मसलिन या कॉटन क्लॉथ से ही अपने आप को सुखाना है, बॉडी को सुखाना है। और उसके जस्ट बाद आपको कोशिश करना है कि आप नारियल तेल में कपूर मिला के अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नारियल तेल में रोज़ कपूर मिलाना टास्क है, तो आप सिया का सोरिया ऑयल अप्लाई करें। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सोरासिस में जो ड्राइनेस बन रहा है, फ्लेकिंग बन रहा है, उसको कंट्रोल करेगा और आपको एक स्मूथ जो एक सरफेस है या स्किन है वो भी प्रोवाइड करेगा, इचिंग को कंट्रोल करेगा और जलन नहीं होगी। तो आप सोरिया ऑयल अप्लाई करेंगे और आप मीनवाइल जब ऑयल आपका सूख जाता है बॉडी पे, तो एक पेशेंट का क्वेश्चन होता है, जैसे हम ऑब्वियसली घर से बाहर निकलते हैं तो मैं भी सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र लगा के निकल रही हूँ, तो हम कैसा मॉइस्चराइज़र या क्रीम यूज़ करें जो हम बाहर हम जा रहे हैं तो हम फेस पे लगा रहे हैं या हाथों पे लगा रहे हैं या बॉडी पार्ट्स पे लगा रहे हैं। तो आप उन केसेस में, अब ऑब्वियसली डेली डेली आप क्रीम नहीं बना पा रहे हैं, और मैंने क्रीम बनाने का एक वीडियो भी शेयर किया था, उसका डिस्क्रिप्शन हम डाल देंगे लिंक में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्रीम बना के रख सकते हैं। नहीं तो आप हमारा बॉडी लोशन जो सिया का बॉडी लोशन है सोरासिस पेशेंट के लिए, आप इसको अप्लाई करके जाइए। आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको सन रेज से बचाएगा, यूवी रेज से बचाएगा और एक शील्ड क्रिएट कर देगा ताकि आपको डस्ट, पोल्यूशन और जो भी यूवी रेज आ रही हैं उनसे तकलीफ ना हो और आपका सोरासिस ना बढ़े। नाउ अब है स्कैल्प सोरासिस, क्योंकि स्कैल्प पे है या नहीं भी है और सोरासिस आपको कहीं भी है बॉडी पे, तो शैम्पू एक होता है कि कुछ पपड़ी बन रहा है, फ्लेकिंग हो रहा है, क्रस्टी क्रस्टी कुछ निकल रहा है, इचिंग बहुत है, कानों पे, गर्दन के आसपास रेडनेस हो रही है, एक लाइन बन रही है, उसके लिए हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, क्योंकि कीटोकोनेजोल यूज़ कर करके तो हम पक चुके हैं और कीटोकोनेजोल आप लंबे समय तक यूज़ भी नहीं कर सकते। द रीज़न बीइंग, लंबे समय तक जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपका हेयर फॉल बढ़ा देगा और ये टेम्परेरीली सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। और उस सोल्यूशन के लिए आप अपना शैम्पू, सिया का जो शैम्पू है सोरासिस पेशेंट के लिए, इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको लाइफ लॉन्ग भी यूज़ करेंगे तो ये कोई हार्म नहीं देगा, हेयर फॉल नहीं बढ़ाएगा, हेयर लॉस नहीं क्रिएट करेगा, नेचुरल है, हर्बल है,
और ये आपको ध्यान में रख के बनाया गया है, तो आपकी जितनी भी फ्लेकिंग है, रेडनेस है कानों के पास, गर्दन के पास, या ड्राइनेस हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, वो सभी शैम्पू से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप यूज़ करें, हमें कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें आपको कितनी सूट कर रही हैं और नहीं करेंगी, क्योंकि ये मैंने खुद पे पर्सनली अप्लाई करके देखी है, जबकि मैं पेशेंट नहीं हूँ सोरासिस की। बट मेरा यही मोटो रहता है कि आपको कुछ भी देने से पहले मैं खुद पे लगा के देखूं, अगर रेडनेस एलर्जी कॉज कर रहा है तो वो चीज़ हम लाते ही नहीं है और आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराते हैं। तो ये क्लिनिकली ट्रायल है, टेस्टेड है, पेशेंट पे ट्रायल हो चुके हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। और किसी भी एरे गैरे या कोई भी बहुत महंगे प्रोडक्ट को ट्रायल देने से पहले आप आयुर्वेद को ज़रूर चुनें, इन प्रोडक्ट्स को ज़रूर चुनें, सिया को चांस दें, ताकि आपकी स्किन लाइफ लॉन्ग ब्यूटिफुल हेल्दी ब्रीथ करती रहे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से? वेल, आप siayurveda.com पे जाके, हम वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देके भी आप अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, अपनी बीमारी का स्टेज पता कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप देरी ना करें, आज से यूज करें, ताकि जिससे पहले बहुत देर हो जाए और आपकी स्किन खराब हो जाए, उससे पहले आप सिया को चुने और एक परमानेंट सोल्यूशन पाए। तो आप ये प्रोडक्ट यूज करें, हमें कमेंट करके बताएं, कॉल करके बताएं कि ये प्रोडक्ट आपको कितने सूट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स कितने बेनिफिशियल हैं, और आप अपने सोरासिस से कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर पा रहे हैं। और भी चीजें जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर एंड नमस्कार।